नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। एज यू नो, स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। यानी जब भी मैटर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ता है तो क्या होता है, उसकी स्टडी इस साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस में होती है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, यानी हिंदी में आपको समझाने वाला। तो दोस्तों, बहुत सारे साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि जब लाइट को हम पास करते हैं प्रिज्म से तो उसका डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन होता है यानी क्या होता है, अगर आपने सनलाइट प्रिज्म में से पास किया तो उसका डिवीजन 7 कलर में हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने सैंपल रख दिया तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब हमने यहाँ पर सैंपल रखा तो कुछ लाइट जो है वहाँ पर वो एब्सॉर्ब हो गई, यानी जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा रहता उसमें गैप पड़ गई है, यानी वो जो रेंज का लाइट है वहां पर एब्सॉर्ब हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि लाइट क्यों एब्सॉर्ब हुआ, और इस तरह से जन्म हुआ स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर पर पड़ता है तो मैटर पर पड़ने के बाद जो कुछ भी चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जैसा कि आप जानते हैं, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब मैटर पर पड़ता है तो ग्राउंड स्टेट में के जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। यानी क्या हुआ, एनर्जी डिफरेंस है, देखो यहाँ पर, यानी एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब हो गई। विजिबल रेडिएशन मैटर पर पड़ता है तो सेम चेंजेस होते हैं, यानी क्या, दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, बराबर है। इस वजह से ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका अल्टरनेटिव टाइटल है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। आए समझ में, तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इंफ्रारेड रेडिएशन मैटर पर पड़ता है तो फिर यहाँ पर कुछ अलग टाइप के चेंजेस होते हैं, यानी मॉलिक्यूल में वेरियस काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, यानी वो जो कुछ भी एनर्जी वहाँ पर एब्सॉर्ब हुई उसका यूटिलाइजेशन किस लिए हो रहा है, इन ऑर्डर टू डू वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, आप जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रेचिंग बेंडिंग ये वेरियस काइंड्स ऑफ वाइब्रेशन है। तो जब भी इंफ्रारेड रेडिएशन मैटर पर पड़े तो वहां पर वेरियस काइंड्स ऑफ वाइब्रेशनल मोशन होता है, यानी एनर्जी एब्सॉर्ब होती है टू डू वाइब्रेशनल मोशन। उसी तरह से माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप जानते हैं क्या होता है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी जब भी माइक्रोवेव रेडिएशन मैटर पर पड़ता है तो वहां पर मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट होने लगता है, यानी रोटेशनल मोशन जो है वो और स्पीडी हो जाता है। तो मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, लाइट एब्सॉर्ब करता है और रोटेशनल मोशन बढ़ जाता है, यानी एनर्जी यूटिलाइज हुई टू डू रोटेशनल मोशन। यानी यहाँ पर अल्टरनेटिव टाइटल जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि क्या हुआ, लाइट एब्सॉर्ब हुआ और मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। उसी तरह से अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जब भी मैटर पर रेडियो फ्रिक्वेंसी पड़ता है, यानी यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले प्रोटॉन को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो स्मॉल वॉल्स लाइक मोशन परफॉर्म करता है। स्मॉल वॉल्स लाइक मोशन यानी क्या, आप भंवरा जानते हैं लट्टू, जब भी उसका स्पीड कम होता है तो वो कैसे घूमता है, वैसा ही प्रोटॉन घूमता है जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो प्रिसीजनल मोशन, इसी को बोलते हैं प्रिसीजनल मोशन। तो ये प्रिसीजनल मोशन जो है वो परफॉर्म करता है, और ऐसे प्रोटॉन पर जब रेडियो फ्रिक्वेंसी लाइट पड़ता है तो वो जो प्रोटॉन है उस लाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है और हायर एनर्जी में जाता है, इसको बोलते हैं फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन। इस तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रा में एक सिग्नल मिलता है। तो यहां पर भी क्या हुआ, एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई फॉर द फ्लिपिंग ऑफ प्रोटॉन, यानी जब भी मैटर पर लाइट पड़े और वहां पर एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाए, वो एनर्जी क्यों एब्सॉर्ब हुई इसकी जो आप स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आऊँगा अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।